और चलिए खबरें होंगी चुनाव की, चुनाव एक्सप्रेस में। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर होगी बैठक, उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। राजस्थान मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होगी बैठक, बीजेपी के संगठन महामंत्री बी एस संतोष भी रहेंगे बैठक में मौजूद। और तेलंगाना के लिए बनाया गया नया प्लान, बीजेपी का नया मेगा प्लान, पीएम मोदी करेंगे 6 रैलियां, करप्शन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरेंगे पीएम, रैलियों की बढ़ सकती है संख्या, सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी पर बीजेपी का खास फोकस, प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को करेंगे गाजियाबाद दौरा, रैपिड रेल के पहले फेज का करेंगे उद्घाटन, वसुंधरा में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का दौरा एमपी में, 21 अक्टूबर को ग्वालियर का करेंगे दौरा, सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। कल अमित शाह फिर करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा, बस्तर में करेंगे चुनावी सभा, विपक्ष पर साधेंगे निशाना। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया खास प्लान, आज से दलित सम्मेलन का करेगी आगाज, योगी आदित्यनाथ हापुड़ में अनुसूचित जाति सम्मेलन में होंगे शामिल। बीजेपी की मायावती को घेरने की रणनीति, 2 नवंबर को लखनऊ में करेंगे दलित सम्मेलन। राहुल गांधी का मिजोरम दौरा, आइजोल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी, लुंगलई में जनता को भी करेंगे संबोधित। मिजोरम के बाद शाम को चुनावी राज्य तेलंगाना के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी, 30 अक्टूबर तक तेलंगाना में कांग्रेस के बस यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस को मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी भी जाएंगी तेलंगाना यात्रा में, राहुल गांधी का देंगे साथ, तेलंगाना में 30 नवंबर को है मतदान। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, कांग्रेस सीसी की आज बैठक, बचे हुए 60 उम्मीदवारों के नाम पर आज लगेगी अंतिम मुहर। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी वचन पत्र, कमलनाथ जारी करेंगे वचन पत्र, महिलाओं, युवाओं, ओबीसी और किसानों पर रहने वाला है फोकस। पटना में सीएम नीतीश कुमार की फिर लालू यादव से मुलाकात, लालू यादव के आवास पर दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक चली चर्चा, इंडिया गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर हुई बातचीत। विधानसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने कसी कमर, नवंबर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करेंगी जनसभाएं, मायावती खुद चुनाव मैदान में उतरकर जनता को साधने का करेंगी प्रयास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप, जनता को दी कांग्रेस के झूठ से सचेत रहने की सलाह। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बड़ा स्टेटमेंट, बोले बीजेपी का संकल्प गरीबों का कल्याण और महिला सशक्तिकरण, 3 दिसंबर को बीजेपी हासिल करेगी रिकॉर्ड तोड़ जीत। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राजस्थान को कांग्रेस ने आर्थिक आपातकाल में धकेला, कांग्रेस पर लगाए घोषणाओं से लोगों को गुमराह करने के आरोप। एमपी के शहडोल में सीएम शिवराज ने भरी चुनावी हुंकार, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने और नया इतिहास बनाने का सीएम शिवराज ने किया दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल डायरी का जिक्र पर फिर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमकर बोला हमला, कहा पार्टी के नेता खुद स्वीकार कर रहे कांग्रेस का भ्रष्टाचार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा खुलासा, बोले सत्ता में आने पर राहुल या खड़गे हो सकते हैं इंडिया के पीएम उम्मीदवार। राजस्थान सीएम गहलोत का बड़ा दावा, बोले जनता बना चुकी है सरकार, रिपीट करने का मूड, राजस्थान में फिर आएगी कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के पास राज्य में उठाने के लिए नहीं है कोई मुद्दा। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी का बीजेपी पर तंज, झूठ और बीजेपी को बताया एक दूसरे का पर्यायवाची।